दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है इंडियन ऑयल टैंकिंग में, ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है। ये ऑफ कैंपस ड्राइव है, ऑफ कैंपस ड्राइव होने वाली है उनके लिए जो फ्रेशर है, फ्रेशर और फाइनल ईयर वाले इसमें डायरेक्टली एलिजिबल हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, जिसने अभी तक मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल पे जरूर से ज़रूर फॉलो कर ले। दोस्तों मैं सारे अपडेट डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज और आवर वाइज सारे अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ, ए टू जेड सारे अपडेट डालता हूँ। इसीलिए आप अप्लाई ज़रूर कर ले, कोई भी प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू, बट आप जो है अप्लाई ज़रूर कर दे और टेलीग्राम चैनल पे डाल दे। और दोस्तों एक चीज़ और है कि आप कमेंट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कुल 30% बंदों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है, ओनली 30% ने, 60% ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आपके सारे नोटिफिकेशन, आपका सारा डाटा मेरे पास आता रहता है, इसीलिए आप अप्लाई ज़रूर करें। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये है इंडियन ऑयल टैंकिंग। इंडियन ऑयल टैंकिंग दोस्तों ये इंडिया की एक बहुत जानी मानी कंपनी है, मैक्सिमम ये जो है पोर्ट पे वर्क करती है। अभी भी जो वैकेंसी आई है वो पैरादीप पोर्ट उड़ीसा के लिए आई है, और ये ज़्यादातर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, इसीलिए इसमें अप्लाई ज़रूर कर देना। कोई भी होती है प्रॉब्लम, दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं ऑलवेज आपके लिए अच्छी अच्छी जॉबें लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो याद से कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा मैं कौन कौन कहाँ कहाँ एलिजिबल है। सबसे पहले तो इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एलिजिबल है, इसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी एलिजिबल है, इसमें जूनियर इंजीनियर एलिजिबल है, और ये ऑफ कैंपस ड्राइव है इंडियन ऑयल टैंकिंग की। दोस्तों इसमें साफ साफ आप देख रहे हैं ग्रेजुएट जूनियर इंजीनियर ट्रेनी एक दिन पहले ही आई है, ज़्यादा बंदों ने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये अराउंड जो ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ये करीबन 1700 मतलब 1500 प्लस वैकेंसी है, इसीलिए यहां अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यू विल बी असाइंड, जो काम आपका रहेगा 12 मंथ के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, बट आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको जो है एडिशनल पीरियड के लिए और रख लिया जाएगा। यू विल बी असाइंड फॉर पैरादीप और उड़ीसा में आपकी पैरादीप पोर्ट में, मतलब ये जो बीच है वहाँ आपकी रहेगी। योर एम्प्लॉयमेंट लोकेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट, और ये आपकी कॉन्स्टेंट ही रहेगी। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम यू विल बी, दोस्तों आपको सैलरी भी मिलेगी उसके बाद फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विल अरेंज ड्यूरिंग मेडिकल इंश्योरेंस एंड कोई भी आपको सारे अलाउंसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, किसी भी तरीके के अलाउंसेज। यू आर नॉट एंटरटेन्ड एनी पर्क्स अलाउंसेज, दोस्तों ये जो है ये इन्होंने बोला इफ पेड अदर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये जो है ये इन्होंने बोला है कि आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेज नहीं दिए जाएंगे। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम द रिजर्व ऑफ राइट ऑफ टर्मिनेट योर एम्प्लॉयमेंट विद नोटिस, ये इन्होंने बोला है। और दोस्तों इन्होंने जो लास्ट डेट दी है वो 30th अप्रैल, मतलब दो ही दिन है, इसलिए अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। इसका अप्लाई भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ये निकाला किसने, हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मिस्टर योगेश धामले जी ने। इसका लिंक जो है मैं ऑलरेडी इसका गूगल फॉर्म आपको मेंशन कर दूंगा। इसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी एनी ब्रांच, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एनी ब्रांच, और जूनियर इंजीनियर के लिए एनी ब्रांच। तो दोस्तों इसलिए अप्लाई जरूर कर दें। इन्होंने जो है अपना ही एक फॉर्म निकाला है, इसको अपने को सबमिट करना है, और ये ऑफ कैंपस ड्राइव है तो उसमें ऐसे ही गूगल फॉर्म ही निकलते हैं, फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी आपका होम टाउन रहने वाला है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और आपने ग्रेजुएट इंजीनियर हाईएस्ट बीटेक और जूनियर इंजीनियर ट्रेनी हाईएस्ट डिप्लोमा, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं निकलती है, ऑल ब्रांचेस के लिए है। इसको फॉर्म को जरूर भर के नेक्स्ट कर दीजिएगा, यहाँ से आपका नेक्स्ट हो जाएगा। कोई भी आपका ये पूरा का पूरा आपसे अगर कवर लेटर मांगते हैं, आपसे अपने बारे में पूछते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी पिन करके रख दिया है। जो अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं गया है वो जाके जरूर देख ले, टेलीग्राम चैनल पे मैंने कमेंट को पिन कर दिया है। तो दोस्तों इसी वीडियो का एंड करते हैं, बट आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।